व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लवर फैमिली। क्या आप लोग जानते हैं, अगर किसी इंसान के साथ में आप लोग 7 साल तक रहते हैं, आप लोगों की फ्रेंडशिप 7 साल तक कंप्लीट हो जाती है, तो एक साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि लाइफ टाइम आप लोग इस इंसान के साथ रहने वाले हैं, यानी कि वो आप लोगों का जो फ्रेंड होगा वो लाइफ टाइम आप लोगों के साथ रहेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और ये फैक्ट भी है, क्योंकि काफी लंबे समय की मेमोरी आप लोगों की हो जाती है, एक दूसरे के साथ में कितने कंफर्टेबल आप लोग रह सकते हैं ये सारी चीज़ समझ जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिए, अगर कोई इंसान ऐसा है लाइफ में तो उसको दूर नहीं जाने देना है, हमेशा कोशिश करनी है कि उस इंसान के साथ में अच्छी टर्म एंड कंडीशन बनाकर रखनी है। काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज की नैनो मैगजीन में, ऑल इंडिया रेडियो, PIB, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, काफी कुछ मटेरियल आप लोगों के सामने आने वाला है। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। बोला गया है यहाँ पर हिंदी जर्नलिज्म डे। हिंदी जर्नलिज्म डे की बात की जा रही तो कहने का मतलब ये है हमारी कंट्री का होगा। जी हाँ, ये हमारी कंट्री का है। 30 मई सेलिब्रेट करते हैं हिंदी जर्नलिज्म डे। इंडिया में ये एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में। इसका नाम था उदांत मार्तंड। ये जो यहाँ पर एडिटेड किया गया था ये 13 मई 1826 में, तब से लेकर यहाँ पर हमारी कंट्री में न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई थी। और ये जो पब्लिश किया गया था, एक पर्सनैलिटी का नाम जरूर याद रखिएगा, नाम है जुगल किशोर शुक्ला। ये वो पर्सनैलिटी है जिसने हमारी कंट्री को फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी दिया। जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव जो सबसे पहले लीजिए, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करती है, जुडिशरी देखती है कि ये लॉ सही है या नहीं है, उसके हिसाब से काम करती है, और जस्टिस सिस्टम हमारी कंट्री में मेंटेन रखती है। फोर्थ पिलर बोला जाता है यहाँ पर डेमोक्रेसी को, ये सॉरी इसको मीडिया को या जर्नलिज्म को। ये जो काम करता है जनता के साथ में, खासकर एक कनेक्टिविटी या फिर लिंक बनाने का काम करता है इन सब सिस्टम का, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, जनता को अवेयर रखता है यहाँ पर ये सारी चीजों के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़पेपर यहाँ पब्लिश किया गया था, ये पब्लिश किया गया था यहाँ पर, इसीलिए इनको डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर का क्रिएटर इनको माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। जो हिंदी डेली जो पब्लिकेशन, ये ब्रज और यहाँ पर खरी जो लैंग्वेज है उनमें यहाँ पर इसको फर्स्ट टाइम प्रस्तुत किया गया था, ये भी आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो जुगल किशोर शुक्ला जी का नाम आप लोग मत भूलिएगा। जो आज के डेट में न्यूज़पेपर आप लोग ये देखते हैं, ये कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है, और ये वीकली छपा करता था पहले, हर ट्यूजडे को छपा करता था, ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। यहाँ पर बात करते हैं कि नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा क्विज है आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताऊंगा, आंसर आप लोग चेक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखेगा। अपूर्वी चंदेला के बारे में बात की जा रही है, इनके द्वारा गोल्ड जीता गया 10 मीटर एयर राइफल में, जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप अभी देखने को मिला किस कंट्री में, जहां पर ये गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एग्जीक्यूटिव बोर्ड फर्स्ट UN हैबिटेट असेंबली, ये अभी सेशन कहां पर देखने को मिला, इसमें इंडिया को इलेक्ट किया गया और फर्स्ट टाइम यहां पर ये ऐसा कुछ इवेंट देखने को मिला, तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। और इसी के चलते इसकी थीम भी आप लोगों को बतानी थी। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली बड़ी फ्रीक्वेंटली UPSC वगैरह के द्वारा जरूर पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। ऑफ लाइफ इन द सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो ये थीम आप लोगों को कंप्लीट करनी थी। नेक्स्ट बात की जा रही है दो ऑफिसेज के बारे में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टेटिक्स ऑफिस, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं ये आप लोगों को बताना है। रशिया के द्वारा अभी लॉन्च किया गया न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिक आइस ब्रेकर, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है, नाम इसका क्या रखा गया है। ये सेंट पीटर्सबर्ग में यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया, और इसी के चलते यहाँ पर ये आने वाले टाइम में इंक्लूड किया जाएगा, खासकर कमर्शियल ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन सफेद सागर, ये कल मैंने सेफ बोला था, यहाँ पर सफेद है ये, ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, तो अगर कोई भी छोटी मोटी भी गलती होती है तो आप लोग जरूर बताया कीजिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में इसको सफेद को मैंने सेफ पढ़ा था, ठीक है, SAFED, ठीक है, तो ये सफेद है यहाँ पर, तो ऑपरेशन सफेद सागर ये आप लोग को बताना है। इसका एक नाम और पुकारा गया था, जो कि इंडियन आर्मी और नेवी का ऑपरेशन था कारगिल वॉर के ड्यूरेशन में 1999 में, तो ये पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे हमारी कंट्री में आ गए थे, उनको भगाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। आप लोगों को बताना है यहाँ पर एक पर्सनैलिटी का नाम हमारी कंट्री के, जिनको UN मिशन फॉर इन साउथ सूडान अभी अपॉइंट किया गया है, ये हमारी कंट्री के आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल है, इनका नाम आप लोगों को बताना है। इन्फॉर्मेशन दी गई है UN जनरल सेक्रेटरी एंटोनियस गुटेरेस के द्वारा। अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा, अपना आंसर मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये आप लोगों की ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है, ठीक है। आइए बात करते हैं अपूर्वी चंदेला के बारे में, म्यूनिक में अभी रिसेंटली यहाँ पर ये देखने को मिला, जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही थी, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, तो हमारी कंट्री में एक गोल्ड जीता गया अभी यहाँ पर इनके द्वारा। ये एक और टोक्यो ओलंपिक में, जो टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है, हमारा एक कोटा और यहाँ पर फाइनल हो गया इनकी साइड से।
नैरोबी कीनिया में यहाँ पर यूएन हैबिटेट असेंबली देखने को मिली और इसकी जो थीम थी यह है इनोवेशन फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ये ऐसी थीम आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती है, सोसाइटी और कम्युनिटी की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आते हैं एनएसएसओ और सीएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टेटिक्स ऑफिस, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनको मर्ज करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में बात की गई थी ये यूराल माउंटेन का भी नाम सुना होगा, इसके नाम पर यहां पर रखा गया है। ये न्यूक्लियर पावर आर्टिक एरिया में आइस ब्रेकर है, ठीक है। ऑपरेशन व्हाइट सी यानी कि ऑपरेशन सफेद सागर ये स्टार्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा मिलकर कारगिल वॉर के ड्यूरेशन में, ठीक है। और भी टफ बना सकता था इसको, मैं यहाँ से कारगिल वॉर को यहाँ पर हटा सकता था और आप लोगों से पूछता कि इसके बारे में बताइए आप लोग, तो ये हल्का सा आइडिया इसके बारे में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर यह सैलेश तिनाकर जिनको हमारी कंट्री की साइड से यूएन मिशन इन साउथ सूडान में अपॉइंट किया गया है, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये पीस कीपिंग जो फोर्स है उसके बारे में बात की जा रही है। चलिए काफी न्यूज में है पीस कीपिंग के मिशन, तो दो क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा जाकर, ये दोनों क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं और आप लोग की स्टेटमेंट की फॉर्म में ये बन सकते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो फंड है पीस कीपिंग मिशन के लिए वो कौन सी कंट्री देती है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो फोर्स है यानी कि जिस तरीके से हमारी कंट्री की फोर्सेज है यहाँ पर, तो वो कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा देती है। आप लोगों को बता दूं, फंड आता है डेवलप कंट्री से ज्यादा और जो फोर्स आती है वो डेवलपिंग कंट्री से ज्यादा आती है, तो ये आप लोगों को बताना है। दोनों क्वेश्चन के आंसर जाकर सर्च कीजिएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज आते हैं यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली जो न्यूज आ रही है यहाँ पर यह एनी जैदी के बारे में। ये हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी है जिनको अभी 9 डोर्स प्राइज 2019 से इनको यहाँ पर नवाजा गया है। $1,00,000 प्राइज यहाँ पर दिया जाता है ये पर्टिकुलर वर्क के लिए। जो वर्क किया जाता है वो कॉन्टेम्परेरी इशू यानी कि जिस काल में हम लोग रह रहे हैं, अगर उस काल की बात की जाए तो यहाँ पर वो कॉन्टेम्परेरी होता है। यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए किसी पास्ट के बारे में कि हाँ उस टाइम पर यानी कि अकबर के टाइम पर कोई इंसान हुआ करता था, अकबर के द्वारा उस टाइम पर उनके पैरेलल में कोई दूसरा राजा रूल कर रहा था, तो कॉन्टेम्परेरी रूलर हो गया, ठीक है। तो ब्रेड सीमेंट एंड कैक्टस तो यहाँ पर इनके द्वारा राइटिंग है जिसको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। वही ये कॉन्टेम्परेरी जो एक्सपीरियंस है वो इनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है और ये इंडियन पर्सनैलिटी है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं, तो याद रखिएगा इनके बारे में। यामा कॉर्पोरेशन ऑफ जापान ये जापान की कंपनी है, हमारी कंट्री में फर्स्ट फैक्ट्री खोलने वाली है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये बात करें सितार और गिटार के बारे में, तो ये जो रहेगा लगभग प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है 1.50 लाख पोर्टेबल कीबोर्ड जो होते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एक्वेस्टिक गिटार एनुअली यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेंगे लगभग 2 लाख। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर ये काम इनके द्वारा किया जाएगा। जापान के में एक खासियत है, जापान का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग देखेंगे उसको आप लोग आंख बंद कर उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि जरूर ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। चाइना के प्रोडक्ट की तरह की नहीं है, यानी कि चाइना का माल नहीं है, जापान का माल है, तो आप लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, काफी मेहनत कर वो कोई भी काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये मालदीव के बारे में बात की जा रही है। आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए अभी बताएंगे। मालदीव के जो यहाँ पर फॉर्मर प्रेसिडेंट है मोहम्मद नसीद, ये स्पीकर नॉमिनेट कर दिए गए हैं पार्लियामेंट, या फिर इसको यहाँ पर मजलिस बोला जाता है, जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट या संसद आप लोग बोलते हैं, और उसमें चुने गए जो नुमाइंदे होते हैं उनके सांसद यानी कि MP बोलते हैं आप लोग, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर इसको मजलिस बोला जाता है, इनको अभी यहाँ पर चुना गया है, जिनको जो यहाँ पर पीपल्स मजलिस है इसके लिए, और जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इनकी पार्टी है। इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट क्यों, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जब इनको यहाँ पर इनकी कंट्री से निकालने की कोशिश की गई थी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, ये काफी लंबे समय तक हमारी जो एम्बेसी है मालदीव में वहां पर काफी लंबे समय तक ये रहे थे, तो इसलिए उस टाइम पर भी ये काफी न्यूज में थे, तो इनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जापान में जो पार्लियामेंट है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम है, आप लोग जाकर देखेगा आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और हाँ, ये मजलिस जो नाम है मैक्सिमम जैसे ईरान की भी अगर आप लोग बात करेंगे, जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री होती है वहां पर ऐसा नाम आप लोगों को देखने को मिल जाता है, पर जापान की पार्लियामेंट का नाम आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा, जाकर देखेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है फर्स्ट ऑल क्रू, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो 3 ऑफिसर हैं ये यहाँ पर वुमेन है, तो इनके चलते यहाँ पर फ्लाई किया गया है M17V5। ये मीडियम हेलीकॉप्टर है जो कि यहाँ पर इनके द्वारा उड़ाया गया है, खासकर ये जो कम्बैक्ट ऑपरेशन होते हैं यानी कि अगर कल को कोई भी किसी भी तरीका ऑपरेशन होता है बैटल फील्ड के लिए भी इनको तैयार करने की कोशिश की जा रही है, तो सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड के द्वारा यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है।
काफी इंपॉर्टेंट है, आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है आर्चरीज के बारे में, यानी कि धनुषबाजी के बारे में। तो हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी रजत चौहान, अभिषेक वर्मा और अमन सैनी, इनके द्वारा यहां पर हमारी कंट्री के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, जो कि यहां पर तुर्की में अभी आर्चरी वर्ल्ड कप चल रहा था। तो ये हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीता गया है। तो ये खुशखबरी की बात है, पर लेकिन वुमेन टीम से यहां पर थोड़ा सा यहां पर दुखद घटना है, यानी कि खुशखबरी नहीं है। ज्योति मुस्कान और स्वाति, इनके द्वारा इनको हार का सामना करना पड़ा यहां पर ब्रिटेन की वुमेन टीम से, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो यहां पर कोई मेडल नहीं मिला, यहां पर हम लोग को ब्रॉन्ज मिला है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। आगे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री से भी रिलेटेड है। सबसे पहले एक अवार्ड के बारे में बात करते हैं, डाग हैमरशोल्ड अवार्ड, जो यहाँ पर ये अभी आप लोगों को देखने को मिला, हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी जितेंद्र कुमार को दिया गया। पोस्टमेसली अभी यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया है, जो कि इनके द्वारा महान कार्य किए गए थे कांगो के अंदर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो वहां पर इनकी जान गई मिशन में, इनके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया था। जिस पर्सनैलिटी के नाम पर ये अवार्ड रखा गया है, ये सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के। प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी जिम्बाब्वे के अंदर 1961 में। तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर ये अवार्ड का नाम दिया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। यूराल माउंटेन की बात करते हैं, तो ये रशिया को डिवाइड करती है। रशिया में जहां पर यूराल माउंटेन आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसका ये वाला जो एरिया है, यानी कि जो वेस्ट साइड वाला एरिया है वो यूरोप में आता है रशिया का, और जो ईस्ट साइड वाला एरिया है वो रशिया का आता है एशिया में। बेसिकली अगर आप लोग बोलें तो आप लोग बोल सकते हैं कि रशिया का ये वाला एरिया आप लोग बोलिए, ये वाला एरिया आप लोगों को यूरोप में देखने को मिलेगा, और ये वाला एरिया आप लोगों को एशिया में देखने को मिलेगा। अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो ज्यादा बड़ा एरिया इसका एशिया में आता है, पर लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन यहां पर मैक्सिमम यूरोप में रहती है, यानी कि जमीन तो ज्यादा एशिया में है रशिया की, पर लेकिन जनता रशिया की ज्यादा यहां पर रहती है यूरोप के अंदर। तो ये उल्टा काम यहां पर आप लोग देखते हैं, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी कंट्री भी अगर आप लोगों से कोई पूछे तो वो भी रशिया ही है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अपन नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे यहाँ पर सेबेस्टियन कुर्ज, तो यहाँ पर इनके खिलाफ अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन देखने को मिली, और जो कि पास भी हो गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लोग अपनी कंट्री के हिसाब से भी याद रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की जा रही थी, कई बार यहाँ पर ये घटना देखने को मिली। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, इस तरीके से इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो रखी गई यहाँ पर अपोजिशन के लीडर के द्वारा इनके खिलाफ, तो यहाँ पर एक तरीके से वो आप लोग देखने को मिला, उसकी वजह से यहाँ पर ये कंडीशन काफी खराब हो गई, यानी कि कहने का मतलब है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गई, जो कि काफी शानदार तरीके से अपोजिशन के द्वारा भी सपोर्ट की गई। तो ऑस्ट्रिया के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर अलेक्जेंडर वैन डे बेलन, तो इनके द्वारा रिसेंटली अभी वाइस चांसलर हार्विच लोंगा, तो ये इनका लोगन का नाम याद रखते हैं आप लोग, जिनको इंटरिम लीडर भी बनाया गया है। देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं फिर कौन चुनकर यहाँ पर आते हैं, जो कि सितंबर में एक्सपेक्टेड यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो बात की जा रही है, मोदी जी की स्वर्णिम सेरेमनी है, ये आप लोगों को बताया, यानी कि ये स्वर्णिम सेरेमनी 30 तारीख को आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो यहाँ पर इसमें बिम्स्टेक के जो मेंबर है, यानी कि ब्यू बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये यहाँ पर मेंबर को बुलाया जाएगा। बेसिकली हमारी कंट्री एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो कि पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, तो अब यहाँ पर ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे चीजों को आगे लेकर चला जाता है। इसमें यहाँ पर और भी कई सारी पर्सनैलिटी को बुलाया गया है, जैसे कि यहाँ पर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ मेंबर हैं। इसी के साथ में यहाँ पर है परविंदर जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, इनको बुलाया गया है, जो कि चीफ गेस्ट भी रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छा, 26 जनवरी पे जो हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली इवेंट हुआ था, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, ये और यहाँ पर ये वाले चीफ गेस्ट, दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है यूएन हैबिटेट के बारे में। ये इससे रिलेटेड जो बात की गई, यानी कि घर वगैरह कैसे बनाने हैं, कैसे आने वाले टाइम में जो जनता के लिए चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, वो आप लोगों को यहाँ पर इसकी थीम से भी झलकता है, जो कि मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी। थीम पे बेसिकली फोकस क्या किया गया है, बेसिक जो फोकस किया जा रहा है वो फोकस इस तरीके से किया जा रहा है, कम्युनिटी के लिए हम लोग कैसे अच्छे रहने लायक बेटर क्वालिटी के सिटीज हम लोग बना सकते हैं, ताकि वहां पर इनोवेटिव वे में सब कुछ अवेलेबल रहे। तो इसी तरीके से यहाँ पर थीम है इनोवेटिव फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ये यहाँ पर बात की गई यूएन हैबिटेट के बारे में, और हमारी कंट्री को यहाँ पर जो फर्स्ट अभी रिसेंटली यूएन
जो यूएन नेशन के द्वारा अभी यहाँ पर जो बात की गई इससे रिलेटेड, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट असेंबली, इसे अभी नैरोबी केन्या में देखने को मिला और ये 27 मई से 31 मई तक यहाँ पर चल रहा है फर्स्ट सेशन इसका। तो हमारी कंट्री को इलेक्ट किया गया एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। टारगेट ये है बेसिकली यूएन हैबिटेट स्ट्रेटजी प्लान का कि 2020 से लेकर 2025 तक रिव्यू किया जाए कि कैसे इंप्लीमेंट करना है जो अर्बन एजेंडा है, यानी कि जो अर्बन सिटीज होती हैं आने वाले टाइम में वो सिटीज कैसी होनी चाहिए, इनके अपना शहरीकरण कैसा होना चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है और थीम मैंने आप लोगों को रिवाइज ऑलरेडी करा दी है, तो ये कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा। और जब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो उसमें भी बेसिकली फोकस यही रहता है कि कैसे सस्टेन आप लोगों को आने वाले टाइम में चीजें करनी है। जैसे आप लोग ये देखिए यहां पर बात की जा रही है, एक तो पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, भुखमरी नहीं होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन और वेलबींग की बात की जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है, जेंडर इक्वलिटी यहां पर होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से देखिए आप लोग सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 11वां गोल है यहां पर 17 गोल में से, इसमें यहां पर बेसिकली डायरेक्ट ये बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू यहां पर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, जो कि यहां पर ये यूएन का हैबिटेट प्लान है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की, तो इससे भी आप लोग इसको कनेक्ट कर यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में एक ट्रिब्यूनल बनाने की जो कि LTTE से रिलेटेड है, यानी कि लिबरेशन टिग्रिस ऑफ तमिल एलम, यहाँ पर ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा आरोप लगाया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की हत्या इनके द्वारा की गई थी, यानी कि इनके मेंबर के द्वारा 1991 में की गई थी। तब से हमारी कंट्री में ये ऑर्गेनाइजेशन बैन है इलीगल एक्टिविटीज की वजह से, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967 के तहत इसको डिक्लेयर किया गया था अनलॉफुल एसोसिएशन, तब से ये बैन है। रिसेंटली इसका टाइम पीरियड वो बैन का कंप्लीट हो गया था, तो फिर से अनदर 5 ईयर के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, पर लेकिन उसको चेक करने के लिए क्या ये जो 5 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया ये सही है या नहीं है, उसके चलते यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल बनाने की बात की जा रही है जो कि यहाँ पर देखेगा किस तरीके सिचुएशन सही है या गलत है, आज की डेट में भी ऐसी एक्टिविटी कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। जज रहेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संगीता जी हैं, उनको बेसिकली यहाँ पर ये इसके ट्रिब्यूनल के अंदर कंप्राइज किया गया, इनके जो ट्रिब्यूनल रहेगा वो देखेगा कि ये सारी जो चीजें हैं वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा किसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये काम किए जा रहे हैं, ठीक है। इनके द्वारा ये बैन जो था एक्सटेंड किया गया था नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम आता है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये डिफेंस न्यूज है आप लोगों के सामने, तो हमारी कंट्री में जो मिसाइल डेवलपमेंट का काम है ये किया जाता है बेसिकली DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा अभी टेस्ट फायर किया गया आकाश 1S, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से स्टेटमेंट में कई बार आते हैं कि ये सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, तो ये सरफेस टू एयर यानी कि सरफेस से एयर में छोड़े जाने वाली ये बेसिकली मिसाइल है जो कि हवा में वार करेगी। ये जो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा में, वहां से इसको लॉन्च किया गया और सेकंड सक्सेसफुल यहां पर मिसाइल टेस्ट DRDO के द्वारा लास्ट 2 डेज में इसको किया गया है। हमारी कंट्री में अगर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की हम लोग बात करते हैं, जो कि एक प्रोग्राम है, इसके तहत कई सारी अदर यहां पर मिसाइल अब तक डेवलप की गई है, नाग हो गया, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के नाम पर आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम सर, उनका नाम भी यहां पर इसी तरीके से रखा गया था इसी सब चीजों के नाम पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए यहां पर ये रिसेंटली अभी जो सिस्टम है ये यहां पर जो इंड्यूस किया गया आर्मी में, ये मई 2015 से लेकर यहां पर बात की जा रही है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स ने यहां पर इसको स्टार्ट किया गया, यानी कि पहले आर्मी मिसाइल आर्मी में की गई है इंक्लूड और फिर एयरफोर्स में, आर्मी में मई 2015 में और जुलाई 2015 में ये एयरफोर्स के अंडर आ गई। लेटर अभी अगर बात की जाए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा भी बोला गया, डिक्लेयर किया गया था एडिशनल कि यहां पर आकाश मिसाइल को आप लोगों को एयरफोर्स में ऐड करना है, पर लेकिन अगर बात करें 2017 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो कैग होता है हमारी कंट्री में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, अगर उसकी बात माने तो 30% के करीब ये जो मिसाइल हैं ये फेल हो जाती हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग टाइम में ही, यानी कि मिसाइल जो है ऑपरेशनल अपनी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती हैं, तो ये काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, काफी ज्यादा मनी इसकी वजह से वेस्ट भी होती है कई बार, ठीक है। तो ये भी आइडिया यहां पर दिया गया किसके द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बाकी जो प्रोग्राम है यहां पर IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ये DRDO का प्रोग्राम है। नेक्स्ट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा रही है। एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो बात आती है यहां पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो PhD करने वाले जो लोग हैं
उनकी जो थीसिस हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। यानी कि आज के टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाना होता है, बस शाम दाम दंड भेद से बस डॉक्टर लगना है, पीएचडी अपनी कंप्लीट करनी है, उस पर ढंग से रिसर्च नहीं की जाती है, उसकी क्वालिटी काफी डिग्रेड होती हुई जा रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डिसाइड किया है रिव्यू करने के लिए क्वालिटी पीएचडी थीसिस की लास्ट जो 10 ईयर है उनकी, यानी कि लास्ट 10 सालों में जो भी पीएचडी डिग्री दी गई है उनकी जो थीसिस है उसको यहां पर चेक करने की बात की जा रही है कि कुछ तो डुप्लीकेशन देखने को मिल रहा है बहुत लार्ज स्केल पर, यानी कि सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी पीएचडी की जा चुकी है उन पर फिर से डुप्लीकेशन चल रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर। इसी के चलते कई सारे ऐसे हैं जो ढंग से पीएचडी नहीं की जा रही है, धांधलेबाजी चल रही है कई सारी क्वालिटी के लेवल पे भी, तो ये सारी चीजें यहां पर चेक करने की बात की जा रही है। तो एक पीरियड रहेगा 6 महीने का जिसके तहत यहां पर कमीशन इसको चेक करेगा कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या यहां पर इनहेंस किया जा सकता है। तो इसके चलते यहां पर देखना है कि जो भी कैपेबिलिटीज है, जो रिकॉर्ड है, जो प्रोसीजर है वो सही चल रहा है, कैसे उसको अडेप्ट करना है, क्या और इनहेंस करना है और किस तरीके से हमारी कंट्री में कुछ ऐसा काम करना है ताकि स्टेट लेवल चाहे बात की जाए क्वालिटी पीएचडी की यहां पर अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई इंसान पीएचडी यहां पर करके आ रहा है और उसके सामने डॉक्टर अगर लग रहा है तो कम से कम देखिए कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए इंसान के पास में। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे मार्केट से खरीद के लाकर चीजें रख दी और बस हाँ डॉक्टर लगा लिया नाम के सामने, उसको एक्चुअल में उसके बारे में इंपोर्टेंस, उसके बारे में ढंग से इसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए, थ्योरी नहीं उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसकी पर्टिकुलर होनी चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अवार्ड और ऑनर के बारे में। तो एक पर्सनैलिटी का नाम काफी न्यूज में है आज के डेट में, उनकी एक किताब एक नॉवल की वजह से जिसका नाम आप लोग याद रखते हैं और पर्सनैलिटी का नाम भी याद रखना है, इनको अभी इंटरनेशनल डायलन थॉमस अवार्ड से इनको नवाजा गया है। श्रीलंकन राइटर है, यहाँ पर नाम है इनका गाय गोर्नेटे, ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। जो अभी प्राइज यहाँ पर दिया गया है वो है इनका नॉवल इन ओवर मैड एंड द फ्यूरियस सिटी, इसके लिए इनको यहाँ पर जो अवार्ड दिया गया है ये यहाँ पर दिया गया, अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल डायलन थॉमस प्राइज, ये जो यहाँ पर पाउंड है 30,000 पाउंड यहाँ पर इनको अभी मिले हैं इसके लिए। और ये ब्रिटिश श्रीलंकन ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे जो बाद में नॉवलिस्ट बन गए, यानी कि बाद में इन्होंने नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया और ये इनका डेब्यू यानी कि पहला नॉवल था जिसके लिए यहाँ पर इसको ये प्राइज मिला है। 5 अदर शॉर्टलिस्ट ऑथर भी यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में याद रखते हैं जो कि यहाँ पर चूज किए गए। बाकी जो जर्नलिस्ट है इसके द्वारा जो बात की जा रही है ये अलग अलग कंट्रीज में स्टोरी कवर की जा रही है ह्यूमन राइट से रिलेटेड, यानी कि जहां पर भी ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है उसके बारे में इनके द्वारा बात की जा रही है। जो बुक थी वो शॉर्ट लिस्ट हुई थी यहाँ पर गोल्डन बर्न प्राइज के लिए, गोल्ड स्मिथ प्राइज के लिए, द राइटर्स गिल्ड प्राइज अवार्ड के लिए और इसी के साथ में यहाँ पर जो मैन बुकर प्राइज 2019 है उसके लिए। तो इसके चलते इनके द्वारा एक ऑथेंटिकेटेड वे में अपनी वॉइस उठाई गई है, खासकर जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो उनके साथ में कुछ भी गलत काम हो रहा है उनको रियलिटी में और स्पोर्ट लाइफ में लाने की बात की गई है, जो माइनॉरिटी है कि उनके साथ में क्या क्या गलत कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर ये इनकी किताब है और ये है राइटर, ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। आपकी बार का जो नेशनल पार्क है ये काफी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आपकी बार 2 अक्टूबर को हम लोग, तो इसलिए इनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती हैं। तो यहां पर बात की जाए ये महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क ये यहाँ पर आप लोगों को अंडमान आइलैंड पर देखने को मिलेगा और इसी के चलते यहाँ पर ये अंडमान और निकोबार जो वाला एरिया है ये यहाँ पर 1983 में इसको नेशनल पार्क के तौर पर डेवलप किया गया था, इनके स्टेब्लिश किया गया था। सी टर्टल यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं और बेसिकली ये आप लोगों के सामने लोकेशन है जिसकी बात की जा रही है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आज जो पॉलिटिका आप लोगों का रिवाइज करना है जाकर आप लोगों के बारे में बात करनी है यहाँ पर पार्लियामेंट वर्सेज स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों में क्या डिफरेंस है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो आप लोगों को बताना है। ये स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, डिटेल में पढ़िएगा, डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया गया वीडियो के अंदर। बाकी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करके बताया गया है। कोशिश कीजिएगा 20, 30 या 50 शब्दों में अपना आंसर देने की, तो एक प्रैक्टिस भी आप लोगों को लिखने की इसी के साथ साथ में हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, अभी आप लोगों को मैं यहाँ पर रिव्यू कराऊंगा, उसके बाद में क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जाना फ्रेंडशिप के बारे में जो कि आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, बाकी हिंदी जर्नलिज्म के बारे में जाना, नेक्स्ट एक क्विज और उसका आंसर था आप लोगों के सामने। इसी के बाद में हम लोगों ने बात की, अच्छा आप लोग ये बताइए हमारी कंट्री में हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए हल्का सा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने जाना एनी जैद के जैदी के बारे में, ये भी आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए, ये एक इंडियन राइटर है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन जो देखने को मिली वो एक कंपनी जापान की, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट बात की गई यहाँ पर मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीद के बारे में जिनको स्पीकर चुन लिया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर बात की एयरफोर्स के बारे में,
किस तरीके से वुमेन को तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो बात की यहाँ पर, बात की ये तीर अंदाजी के बारे में, ठीक है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा बात की गई मोदी जी की स्वर्णिम सेरेमनी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यूएन हैबिटेट के बारे में, इसके अलावा हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिब्यूनल के बारे में बात की। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आकाश मिसाइल के बारे में जानने को मिली। इसके अलावा पीएचडी को फिर से एक तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है कि क्वालिटी कैसे इन्हेंस करनी है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना इंटरनेशनल डायलन थॉमस प्राइज के बारे में, ये था नेशनल पार्क और ये था आप लोगों का पॉलिटिका रिविजन। अब आप लोगों के सामने आज का क्विज, यामा कॉर्पोरेशन कौन सी कंट्री कंपनी है जिसके द्वारा फर्स्ट फैक्ट्री खोलने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, खासकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट का नाम आप लोगों को बताना है जिनको अभी मजलिस यानी कि पार्लियामेंट का स्पीकर यहां पर नॉमिनेट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली अभी LTTE को बैन किया गया है फिर से 5 साल के लिए, तो ये बताना है कि पहले यहाँ पर कब इसको बैन किया गया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अभी रिव्यू करने की बात की गई है पीएचडी, तो लास्ट कितने सालों की पीएचडी को यहाँ पर रिव्यू किया जाने की बात की जा रही है। महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क हमारी कंट्री में कहाँ पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी आकाश 1S ये यहाँ पर अभी लॉन्च की गई, ये कैसी मिसाइल है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, यानी कि किस तरीके की मिसाइल है, धरती से आसमान के लिए, आसमान से आसमान में, या फिर समुद्र से धरती पर, किस तरीके से यहाँ पर ये लॉन्च की जाती है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है बेसिकली। नेक्स्ट बात की जा रही है फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया हमारी कंट्री में, तो उसका नाम आप लोगों को बताना है जो कि 30 मई 1826 में कोलकाता से पब्लिश किया गया। उस पर्सनैलिटी का नाम भी आप लोगों को यहाँ पर बताना है जिनको हमारी कंट्री में फोर्थ पिलर का क्रिएट करने वाले जन्मदाता माना जाता है, उन पर्सनैलिटी का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन, ये थे आप लोगों के सामने क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।